चलो हम आज संगीत का परिचय करें। गायन, वादन और नृत्य, इन तीनों मिलाकर संगीत कहते हैं। संगीत के लिए नाद यानी ध्वनि की आवश्यकता होती है। नाद दो प्रकार के होते हैं, एक आहत नाद और दूसरा अनाहत नाद, जो आराम से सुनाई देता है उसे आहत नाद कहते हैं, और जो महसूस होता है उसे अनाहत नाद कहते हैं। जैसे कोई बोल नहीं रहा हो, गा नहीं रहा हो, और हमें ऐसे लगता है कि हमें कुछ सुनाई दे रहा है, उसे अनाहत नाद कहते हैं, और जो प्रॉपरली सुनाई देता है उसे आहत नाद कहते हैं। संगीत में एक सप्तक में 12 सुर होते हैं, जिसमें 22 श्रुतियाँ होती है। तो सा, म और प, इनकी चार चार श्रुतियाँ होती है। रे और ध की तीन तीन, और ग और नी की दो दो, ऐसे कुल मिलाकर 22 श्रुतियों से एक सप्तक बनता है, जिसमें सा और प अचल होते हैं, जो अपनी जगह से नहीं हिलते, और रे ग ध नी यह कोमल होते हैं, यानी फ्लैट हो जाते हैं, बैक साइड आते हैं। और अकेला म ऐसा होता है जो तीव्र होता है, जो कोमल नहीं होता। तो ऐसा ये संगीत का परिचय है। अब इन 22 श्रुतियों में से 12 स्वर बने, और 12 स्वरों में से 10 ठाट का निर्माण हुआ है उत्तर भारतीय पद्धति में, और दक्षिण भारतीय पद्धति में 22 श्रुतियों से 72 ठाट बने हैं। तो उत्तर भारतीय पद्धतियों में 10 ठाट लेकर उन ठाटों से कई प्रकार के राग बने हैं। तो इन 10 ठाटों को अगर हम उचित अभ्यास करके उनका स्वर स्थान अगर निश्चित करें और समझ ले, तो संगीत गायकी के लिए या वादन के लिए बहुत आसान हो जाता है। हमें स्वर ज्ञान होता है तो सरस्वती प्रसन्न हो जाती है। स्वर बिल्कुल भगवान के समान है। जैसे भगवान दिखाई नहीं देता, वैसे स्वर भी दिखाई नहीं देता। उसे कान से सुनकर महसूस किया जाता है, और उसका स्वर स्थान कहाँ है इसकी अनुभूति होती है। अब देखिए, हम इन 10 ठाटों में से पहला ठाट है बिलावल ठाट। ठाट में सिर्फ आरोह होता है, अवरोह नहीं होता। जब हम अवरोह लगाते हैं तो किसी राग का निर्माण होता है, और राग में आरोह, अवरोह, न्यास स्वर, वादी स्वर, ऐसे 12 गुण होते हैं टोटल, जो अगले चैप्टर में हम बताएंगे। लेकिन यह हम 7 शुद्ध स्वरों का यानी बिलावल ठाट का परिचय करते हैं, और मैं कुछ अलंकार आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ। अगर आप ये गाते हैं तो आपका गला भी निश्चित रूप से ठीक चलने लगेगा। मैं काली एक यानी सी शार्प स्वर से आपको शुद्ध स्वर गाकर दिखा रहा हूँ। सारे शुद्ध स्वरों को एक ताली में एक स्वर इस प्रकार गाया। हम इसे अगर दुप्पट करते हैं तो एक ताली में दो स्वर आएंगे, जैसे
सारे ग म प ध नि स सा नि ध प म ग रे सा। इसकी दुपट करेंगे, सारे ग म प ध नि स सा नि ध प म ग रे सा। यानी तीन लय, यानी तीन स्पीड से हमने शुद्ध स्वर गाए। देखिए फिर से सुना रहा हूँ, सा रे ग म प ध नि स सा नि ध प म ग रे सा। सा रे ग म प ध नि स सा नि ध प म ग रे सा। सा रे ग म प ध नि स सा नि ध प म ग रे सा। जाकर आकार में गा सकते हैं। दूसरा अलंकार है, मैं गाऊंगा और आप रिपीट करेंगे। सारे ग रे ग म ग म प म प ध प ध नि धनी सा निध निध प ध प म प म ग रे ग रे सा। इसके बाद अगला अलंकार चार अक्षर का, सा रे ग म रे ग म प ग म प ध म प ध नि प ध नि सा नि ध प नि ध प म ध प म ग प म ग रे म ग रे सा। इसके बाद नेक्स्ट पांच अक्षर का, सा रे ग म प रे ग म प ध ग म प ध नि म प ध नि सा नि ध प म नि ध प म ग ध प म ग रे प म ग रे सा। इसके बाद पांच अक्षर का 2+3, सा रे सा रे ग रे ग रे ग म ग म ग म प म प म प ध प ध प ध नि धनि धनि सा नि ध निध निध प ध प ध प म प म प म ग म ग म ग रे ग रे ग रे सा। इसके बाद 2+4, सा रे सा रे ग म रे ग रे ग म प ग म ग म प ध म प म प ध नि प ध प ध नि सा नि ध प
निध निध प म ध प ध प म ग प म ग रे म ग म ग रे सा। इसके बाद 2+5 सारे सारे ग म प रे ग रे ग म प ध ग म ग म प ध नि म प म प ध नि सा नि सा नि ध प म नि ध नि ध प म ग ध प ध प म ग रे प म प म ग रे सा। इसके बाद अल्टरनेट स्वर एक छोड़कर सा ग रे म ग प म ध पानी ध साध नीप धम पग मरे गसा। इसके बाद दो छोड़ के साम रे प गध मनी पस साप नीम धग परे मसा। इसके बाद ग रे सा उल्टे अक्षर गाना है ग रे सा म ग रे प म ग ध प म नि ध प सा नि ध ध नि सा प ध नि म प ध ग म प रे ग म इस प्रकार ये कुछ अलंकार मैंने आपके सामने प्रस्तुत किए। अगर आप मेरे साथ इन अलंकारों को गाएंगे स्वरों में और आकार में तो आपका गला निश्चित रूप से गाने के लायक हो जाएगा। कोशिश करिए, 12 स्वर होते हैं एक सप्तक में, जिसमें से हमने बिलावल थाट के 7 शुद्ध स्वर लेकर ये रियाज किया है। आप हर थाट में इस प्रकार अलंकार गाएंगे तो चमत्कार हो जाएगा और आपका गला गायक के अनुसार गाने के लिए काबिल हो जाएगा। कोशिश करिए, आप चाहे तो ऑनलाइन सीख सकते हैं, आप अपने घर में बुलाकर भी आप संगीत सीख सकते हैं मेरे साथ। तो धन्यवाद, ये चैप्टर यही ख़त्म करते हैं। अगली बार दूसरा वीडियो लेकर आएंगे हमारे चैनल पे दिलीप धोपाड़े इस नाम से। यूट्यूब पे मेरा चैनल है दिलीप धोपाड़े मास्टर ऑफ म्यूजिक संगीत रत्न, ये चैनल का नाम है। अगर आप सब्सक्राइब कर लेते हैं तो इस प्रकार के अनेक वीडियो आपको मिलते रहेंगे। धन्यवाद।